जय श्री राधे। श्री चैतन्य चरितावली के इससे पूर्व के भाग में आपने दक्षिण के तीर्थों का भ्रमण इसके विषय में कथा का श्रवण किया। अब धनी तीर्थ राम को प्रेम दान और वेश्याओं का उद्धार। रे कंदर्प कर्म कदर्थ यश किम को दंड टंकारित है, रे रे कोकिल कोमलहे कलरवहे किम त्वम वृथा जलपसे, मुग्धे स्निग्ध विदग्ध मुग्ध मधुरेर लोलहे कटाक्षेरलम, चेतश्चुंबित चंद्रचूड चण ध्यानामृतम वर्तते। अर्थात ओ कामदेव, धनुष की टंकारों से तू अपने हाथों को क्यों कष्ट दे रहा है? हरि कोयल, तू भी अपने कोमल कल नादों से क्यों व्यर्थ कोलाहल मचा रही है? ए भोली भाली रमणी, तुम्हारे इन स्नेह युक्त चतुर मोहन मधुर एवं चंचल कटाक्षों से भी अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे चित्त ने तो चंद्रचूड़ के चरणों का ध्यान रूपी अमृत पान कर लिया है। जिसने प्रेमासव का पान कर लिया है, जो उसकी मस्ती में संसार के सभी पदार्थों को भूला हुआ है, उसके सामने ये संसार के सभी सुंदर सुखद और चमकीले पदार्थ तुच्छ हैं। वह उन पदार्थों की ओर दृष्टि तक नहीं डालता जिनके लिए विषयी मनुष्य अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तत्पर रहते हैं। जिस हृदय में कामार के भी पूजनीय प्रभु निवास करते हैं, उस हृदय में काम के लिए स्थान कहाँ? क्या रवि और रजनी एक स्थान पर रह सकते हैं? दीपक लेकर यदि आप अंधकार को खोजने चलें, तो उसका पता कहीं मिल सकता है। इसीलिए कहा है, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, और जहाँ राम है वहाँ काम नहीं। जो जाड़े से ठिठुरा हो, उसके सम्मुख उसकी इच्छा के विरुद्ध भी धधकती हुई अग्नि पहुँचा दी जाए, तो उद्योग न करने पर भी उसका जाड़ा छूट जाएगा। सांवर की झील में ककड़ी पत्थर हड्डी जो भी वस्तु गिर जाएगी, वह नमक बन जाएगी। प्रेमी से चाहे प्रेम से संबंध करो या ईर्ष्या द्वेष से, कल्याण आपका अवश्य ही होगा। भूल से भी लोहा पारस से छुआ दिया जाए, तो उसके स्वर्ण होने में कोई संदेह नहीं। महाप्रभु जब दक्षिण के समस्त तीर्थों में भ्रमण करते करते श्री रंगम आ रहे थे, तब रास्ते में अक्षयवट नामक तीर्थ में ठहरे। रास्ते में महाप्रभु का जीवन निर्वाह भिक्षा पर ही होता था। किसी दिन भिक्षा मिल जाती थी, किसी दिन नहीं भी मिलती थी। कृष्णदास भट्टाचार्य प्रभु को भिक्षा बनाकर खिलाते थे। एक दिन भिक्षा का कहीं संयोग ही न लगा। तीर्थ में उपोषण का भी विधान है, अतः उस दिन महाप्रभु ने कुछ भी नहीं लिया। एक निर्जन स्थान में शिवजी के समीप वे कीर्तन आनंद में मग्न हुए। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष माम कृष्ण 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 पाहि माम। इस महामंत्र को जोर जोर से उच्चारण कर रहे थे। रास्ते के श्रम से उनके श्री मुख पर कुछ श्रमजन्य थकावट के चिन्ह प्रतीत होते थे। उनके समस्त अंगों से एक प्रकार का तेज सा निकल रहा था। वे प्रेमानंद में मग्न हुए, उच्च स्वर से नाम संकीर्तन में मग्न थे। इतने में ही तीर्थराम नाम का एक बहुत बड़ा धनी वहां सहसा आ पहुंचा। उसे अपने धन का गर्व था। युवावस्था ने उसे कर्तव्य शून्य बना दिया था। यौवन के मद में वह अपने धर्म को तिलांजलि दे चुका था। खाना पीना और मौज उड़ाना, यही उसने अपने जीवन का ध्येय बना रखा था। सुंदर से सुंदर भोज्य पदार्थों को खाना और मनोरम से मनोरम ललनाओं के साथ समय बिताना, यही उसने जीवन का चरम सुख समझ लिया था। उसके साथ दो अत्यंत सुंदरी वैश्याएं थीं। उनमें से एक का नाम सत्याबाई और दूसरी का नाम लक्ष्मीबाई था। उनके साथ हास परिहास करते करते वह शिवालय के समीप आ पहुंचा। वहां उसने अपनी कांति से दिशाओं को आलोकित करते हुए प्रेम अवतार श्री चैतन्य को देखा। स्वर्ण के समान शरीर का रंग था,
कमल के समान विकसित मुखार विंद पर हठात चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने वाली दो बड़ी बड़ी आंखें थीं। उसकी समझ में ही नहीं आया कि इतनी अतुलनीय रूप राशि से युक्त यह पुरुष यहाँ जंगल में अकेला एक कपड़ा ओढ़े क्यों पड़ा है। अपने संदेह को मिटाने के लिए उसने धीरे से कहा, कौन है? किंतु महाप्रभु तो अपने कीर्तन आनंद में मग्न थे, उन्हें किसी का क्या पता। वे पूर्ववत जोरों से कीर्तन करते रहे। उसकी उत्सुकता और भी बढ़ी। उसने अब के जरा जोर से कहा, आप कौन हैं और यहाँ एकांत में क्यों पड़े हैं? कृपामय श्री चैतन्य ने अब के उसकी बात का उत्तर दिया, भाई हम ग्रह त्यागी सन्यासी हैं, अपने प्यारे की तलाश में घर से निकले हैं। एकांत ही हमारा आश्रय है, वैराग्य ही हमारा बंधु है, संकीर्तन ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। इसीलिए हम यहाँ एकांत में पड़े अपने प्यारे के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। इतना कहकर महाप्रभु फिर पूर्ववत कीर्तन करने लगे। इस उत्तर को पाकर तीर्थराम को संतुष्ट हो जाना चाहिए था और महाप्रभु को छोड़कर वैश्याओं के साथ अन्यत्र कहीं चले जाना चाहिए था, किंतु उसका तो प्रभु के द्वारा उद्धार होना था। उसके मन में ईर्ष्या का अंकुर उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगा, यह भी कोई अजीब आदमी है, विधाता ने इसे इतना सौंदर्य दिया है, चढ़ती जवानी है, किसी उच्च कुल का प्रतीत होता है, फिर भी ऐसी वैराग्य की बातें कर रहा है। मालूम होता है इसे सत्याबाई और लक्ष्मीबाई के समान रूप लावण युक्त कोई ललना नहीं मिली है। यदि एक बार भी इसने ऐसी अनुपम सुंदरी के दर्शन किए होते तो यह सन्यास और वैराग्य की बातों को भूल जाता। इन बातों को सोचते सोचते वह अपनी दोनों संगिनियों से बोला, मालूम होता है इसने अभी संसार का सुख नहीं भोगा है, तभी यह ऐसी बढ़ चढ़कर बातें करता है। एक साथ ही दोनों जल्दी से बोल उठी, अजी चलो भी, किसकी बातें करने लगे, ये सब कामदेव के दंडित व्यक्ति हैं। जहाँ इन्होंने ललनाओं के रूप की निंदा की, वहीं कामदेव ने खप्पर हाथ में देकर इन्हें द्वार द्वार का भिखारी बना दिया। तीर्थराम ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं, इसके चेहरे में आकर्षण है, कोई वैराग्यवान साधु मालूम पड़ता है। इस पर उसकी बात का प्रतिवाद करती हुई लक्ष्मीबाई बोली, हाँ बिना मिले के तो सभी त्यागी वैरागी हैं, खाने को न मिला तो कह दिया एकादशी व्रत है। नार्यमुई ग्रह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाए हो हे सन्यासी, मुझ जैसी कोई इनके पल्ले पड़ जाए तब हम देखें कि कैसे त्यागी बने रहते हैं। तीर्थराम ने उन दोनों को उत्तेजना देते हुए कहा, अच्छा देखें तुम्हारी बात, यदि इसे अपने चंगुल में फंसा लो तो जो चाहो वह इनाम तुम्हें दें। उन दोनों को अपने रूप लावण्य का गर्व था, वे मत्त सिंहनी की भांति महाप्रभु की ओर चली। तीर्थराम पास ही छिपकर उनकी सब बातों को देखता रहा। महाप्रभु एक करवट से लेटे हुए श्री कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। गोविंद और कृष्णदास कुछ दूरी पर थे, वे वैश्याएं वहां जाकर बैठ गईं और अपने हाव भाव कटाक्षों से प्रभु की अनन्यता को भंग करने की चेष्टा करने लगी। किंतु प्रभु को पता भी नहीं कि कौन आया है, वे अपने नशे में चूर थे, उन्हें दीन दुनिया किसी का भी होश नहीं था। उन्हें वहां बैठे जब बहुत देर हो गई तब लक्ष्मीबाई ने संपूर्ण साहस इकट्ठा करके कहा, साधु बाबा मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पतित पावन प्रभु तो इसके लिए तैयार ही बैठे थे, वे जल्दी से उठ बैठे और उन पर करुणा भरी विकार नाशनी दृष्टि डालकर बड़े ही मधुर स्वर से प्रेम के साथ बोले, माताजी इस दीनहीन संतान के लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? उनकी दृष्टि में और उनके इन शब्दों में पता नहीं क्या जादू था, वे दोनों अवाक रह गईं। काटो तो बदन में लोहू नहीं, उनकी वाणी बंद हो गई, धैर्य छूट गया और पश्चाताप की अग्नि ने उनके हृदय में एक प्रकार की ज्वाला पैदा कर दी। वे आत्मग्लान से अभिभूत होकर जल्दी से वहां से उठ खड़ी हुई। तीर्थराम इन बातों को सुन रहा था। प्रभु के संकीर्तन के श्रवण मात्र से ही उसका धैर्य टूट गया था।
अब रहा सहा धैर्य इस असंभव घटना ने तोड़ दिया। परम सुंदरी, दो युवती एकांत में जिससे प्रेमालाप करने की प्रार्थना करें और वह उन्हें माता कहकर संबोधन करे, यह कोई मनुष्य नहीं, ईश्वर है। यह संसारी प्राणी का काम नहीं, ये तो देवताओं के भी देवताओं का काम है। यह सोचते सोचते वह महाप्रभु के पाद पद्मों में जाकर गिर पड़ा और बड़ी ही जोर से चीत्कार मारकर कहने लगा, हा प्रभु, मुझ पापी का उद्धार करो, प्रभु मुझे अपने चरणों में शरण दो। महाप्रभु ने उसे उठाकर छाती से लगाया और प्रेम में विह्वल होकर जोर जोर से नृत्य करते हुए संकीर्तन करने लगे। वे अविरल भाव से प्रेमाश्रु विमोचन करते हुए नृत्य करने लगे। भावावेश में उनके शरीर का वस्त्र जमीन पर गिर पड़ा। इससे उनके दीप्तिमान श्री अंगों से तेज की किरणें फूट फूट कर उस नीरव स्थान को आलोकित करने लगी। वे वेश्याएं भी इस अद्भुत चमत्कार को देखकर भावावेश में अपने को भूल गईं और भगवान के नाम का कीर्तन करती हुई नृत्य करने लगी। तीर्थराम ने प्रभु के श्री चरणों को जोर से पकड़ लिया और बार बार चिल्ला चिल्ला कर वह कहने लगा, प्रभु मुझ पापी का भी किसी प्रकार उद्धार हो सकेगा? दयामय, मेरे पापों का प्रायश्चित किसी तरह हो सकता है क्या? पतित पावन प्रभु ने उसे उठाकर अपने गले से लगाया और कहा, तीर्थराम, तुम पापी नहीं, पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे श्री अंग के स्पर्श से मैं पावन हुआ। तुम भाग्यवान हो, प्रभु के कृपा पात्र हो। अपने मन से गिलान निकाल दो। करुणामय श्री हरि सबका भला करते हैं। जो उनकी शरण में पहुंच जाता है उसके पाप रहते ही नहीं। रुई के ढेर में जैसे अग्नि पड़ने से भस्म हो जाती है, उसी प्रकार वे भस्म हो जाते हैं। महाप्रभु के इन आदेशमय वाक्यों को सुनकर तीर्थराम को कुछ धैर्य हुआ। उसने अपने को महाप्रभु के श्री चरणों में सर्वतोभावेन समर्पित कर दिया। महाप्रभु ने उसे हरिनाम मंत्र का उपदेश दिया और वह भी तिलक कंठी धारण करके शुद्ध वैष्णव बन गया। दोनों वैश्याओं ने भी अपने पापों का प्रायश्चित किया और वे निरंतर हरिनाम स्मरण करने लगी। तीर्थराम की स्त्री का नाम कमल कुमारी देवी था। अपने पति की ऐसी दशा देखकर उसे परमानंद हुआ। वह सती साध्वी पतिव्रता पत्नी अपने पति चरणों का अनुगमन करने वाली थी। उसने अत्यंत ही दीन भाव से प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम किया और गदगद कंठ से प्रार्थना की, प्रभु इस पापनी का भी उद्धार कीजिए, मुझे भी अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए, जिससे संसार सागर से मैं भी पति के चरणों का अनुगमन कर सकूं। महाप्रभु की आज्ञा से तीर्थराम ने अपनी पत्नी को हरिनाम मंत्र का उपदेश दिया। वह भी अपना सारा धन कंगालों को बांटकर तीर्थराम के साथ हरिनाम संकीर्तन करने लगी। महाप्रभु 7 दिन तक वटेश्वर में ठहरे। वहां रहकर वे धनी राम को उपदेश देते थे। प्रभु ने उससे कहा, बहुत ग्रंथों के माया जाल में मत पड़ना, भगवान केवल विश्वास से ही प्राप्त हो सकते हैं। संपूर्ण जगत के वैभव को तृण समाज समझना और निरंतर भगवान नाम संकीर्तन में लगे रहना, यही वेद शास्त्रों का सार है। इस प्रकार तीर्थराम और उन दो सुंदरी वैश्याओं को प्रेम दान करके महाप्रभु श्री रंगम चले गए थे और श्री रंगम में ही चातुर्मास्य किया। जब वर्षा समाप्त हो गई तब प्रभु ने श्री रंगम से आगे चलने का विचार किया। इस भाग में इतना ही। अब प्रेम पूर्वक सच्चे हृदय से महाप्रभु जी का और सभी भक्तों का स्मरण करते हुए गदगद कंठ के साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।